से जिंदा जल गए मासूम। फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी का ये मामला, झोपड़ी में ये चारों बच्चे मौजूद थे जब हादसा हुआ। झोपड़ी में आग लग गई, तीन बच्चों की मौके पर ही जान चली गई थी। एक बच्चे की हालत गंभीर थी जिसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उस बच्चे की भी मौत की खबर आ रही है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है, वहीं बच्चों की मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। चित्रंजन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रंजन, चार बच्चों की मौत, हादसा कैसे हुआ, इस वक्त मां की स्थिति कैसी है? मैं आपको बता दूं, ये फरीदपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। दोपहर के समय का ये वाकया था और घर के ऊपर मिट्टी की वो भूसा रखा हुआ था और भूसे में किसी तरीके से आग लग गई और नीचे जो है झोपड़ी बनी हुई थी और उसमें जो चिंगारी नीचे गिरी है उसी से पूरी झोपड़ी में आग लग गई और उसमें बच्चे खेल रहे थे, जिसमें तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं एक बच्चे को रेफर किया गया था, अभी सूचना मिल रही है कि उस बच्चे की भी मौत हो गई है। वहीं परिजनों में इस बात का कोहराम मचा हुआ है कि ये पूरी घटना एक ही परिवार के जो लोग हैं, अभी इसकी बात निकल के आ रही है कौन कौन लोग थे। पुलिस इनकी जांच कर रही है और डीएम का साफ साफ कहना है कि इन इस परिवार को जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी सुविधाएं देने की बात होगी वो पूरी की जाएंगी। फिलहाल सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धन्यवाद चित्रंजन जानकारी देने के लिए। दर्दनाक वाकया, एक घर में आग लगती है, झोपड़ी में आग लगती है, चार बच्चों की जान चली गई, एक ही परिवार के ये चार बच्चे, परिजनों में कोहराम है, सबसे बुरा हाल मां का है।